सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है, बम्पर भर्ती है, वैकेंसियां आपको सामने दिखाई दे रही हैं कि इसके कितनी पोस्ट हैं। प्रिंसिपल की 175 हैं, वाइस प्रिंसिपल की 116 हैं, पीजीटी टीचर्स की 1244, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की 1944, टोटल वैकेंसियाँ हैं 3479। तो इनका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी इनका चालू हो चुका है। मतलब अगर आप चाहें तो अभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले देखेंगे इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप देखिए सैलरी पे स्केल क्या है। प्रिंसिपल के लिए पे स्केल है 78,800 से 2,09,200। वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 है 56,100 से 1,70,500। पीजीटी में वैकेंसियां हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। पे स्केल 47,600 से 1,51,100। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीज में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज की वैकेंसियां हैं। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे दी गई है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। प्रिंसिपल के एग्जाम जो होंगे वो 160 नंबर का होगा, 40 नंबर का इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये पूरी डिटेल दे दी गई है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सभी से 10-10 नंबर के, एकेडमिक से 30 नंबर के, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 70 नंबर के। वाइस प्रिंसिपल के लिए 160 का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इंटरव्यू 40 नंबर का होगा और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। पीजीटी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम 160 नंबर का, पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 नंबर का, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जनरल इंग्लिश, हिंदी से 10-10 नंबर के क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी से 20, सब्जेक्ट नॉलेज 80 नंबर की, टोटल 160 हो गए हैं। यहाँ पे भी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। टीजीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका एग्जाम है वो 180 नंबर का होगा, इंटरव्यू नहीं है। जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर सबसे 10-10 क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड पेटागोगी से 20 क्वेश्चन और सब्जेक्ट नॉलेज से 100 क्वेश्चन। तो टोटल 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। इसके बाद आगे की जानकारियां देखें, इंफॉर्मेशन देखें, उससे पहले ये देख लीजिए रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। recruitment.nta.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देखिए प्रेस रिलीज है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2020-21 लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख ली है, अब देख लेते हैं बाकी की डिटेल्स इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही। इसके बाद एलिजिबिलिटी दी गई है क्वालिफिकेशन के लिए। प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड और उसके समकक्ष योग्यता, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम और उसी के साथ साथ पर्सन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, सीबीएसई अफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, इंटर कॉलेज होल्डिंग एनालिगियस पोस्ट और 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर। पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। अपर एज लिमिट में एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छूट मिल जाएगी। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने कर रखा है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपने के पास होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर में, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत में, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ देख लीजिए काफी सारे ऑप्शन है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के लिए
ज्योग्राफी में, कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इसी तरह से पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देख लीजिएगा। टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो, और पीजीटी के लिए भी बीएड आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा आप। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं ये पूरी यहाँ लिस्ट दे दी गई है। बीएड भी आपके क्लियर होनी चाहिए। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 क्लियर होना आपका आवश्यक है। एज लिमिट 30 अप्रैल 2021 को आधार मानते हुए की जाएगी। एसटेट या सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना आवश्यक है टीजीटी के लिए। इसके बाद अपर एज लिमिट में किसे कितनी छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो एससी एसटी से हैं 15 साल, ओबीसी से हैं 13 साल, और अगर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट आपको मिल जाएगी। किसी भी छूट का लाभ लेते हुए 55 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम एज 55 साल है, चाहे आपको फिर कितनी भी एज में छूट मिलती हो। एप्लीकेशन फीस कितनी है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहां नहीं लगने जा रही है। मेन मेन डेट्स की जहां तक बात है सबसे ऊपर दिए गई हैं, ये यहां मेन मेन डेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका जारी है 1/4/2021 से और 30/4/2021 तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जहां तक डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात है, मई 2021 के लास्ट में या जून 2021 के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसियों की जहां तक बात है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद दी गई है वैकेंसियों के डिटेल, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंसीज एज पर द रिजर्वेशन रोस्टर। तो यहां दी गई है स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां, अलग अलग 16 राज्यों में वैकेंसियां आई हुई हैं। अगर आप इन राज्यों के हैं जिनमें रिक्रूटमेंट आई हुई है तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपके पास उस राज्य का डोमिसाइल होना आवश्यक है। अगर आपके राज्य में वैकेंसी नहीं है तो फिर आप इनके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 16 राज्य कौन से हैं, किसकी कितनी वैकेंसी है वो भी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में प्रिंसिपल 14, वाइस प्रिंसिपल 6, टीजीटी 97, टोटल 117 है। छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल 37, वाइस प्रिंसिपल 19, पीजीटी 135, टीजीटी 323, टोटल 514। गुजरात में प्रिंसिपल 17, वाइस प्रिंसिपल 2, पीजीटी 24, टीजीटी 118, टोटल 161। हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल की 1 है, पीजीटी की 6 है, टीजीटी की 1 है, टोटल 8 है। झारखंड में प्रिंसिपल 8, वाइस प्रिंसिपल 8, पीजीटी 132, टीजीटी 60, टोटल 208। जम्मू कश्मीर प्रिंसिपल 2, टीजीटी 12, टोटल 14। मध्य प्रदेश में 32 वैकेंसियां प्रिंसिपल, 32 वाइस प्रिंसिपल, 625 पीजीटी, 590 टीजीटी, 1279 टोटल वैकेंसियां। महाराष्ट्र में 16 प्रिंसिपल, 8 वाइस प्रिंसिपल, 28 पीजीटी, 164 टीजीटी, टोटल 216। मणिपुर 2 वाइस प्रिंसिपल, 8 पीजीटी, 30 टीजीटी, टोटल 40। मिजोरम 3 वाइस प्रिंसिपल, 2 पीजीटी, 5 टीजीटी, टोटल 10। ओडिशा 15 प्रिंसिपल, 11 वाइस प्रिंसिपल, 12 पीजीटी, 106 टीजीटी, टोटल 144। राजस्थान 16 प्रिंसिपल, 11 वाइस प्रिंसिपल, 102 पीजीटी, 187 टीजीटी, टोटल 316। सिक्किम में 2-2 वैकेंसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की, 17 पीजीटी, 23 वैकेंसी टीजीटी, टोटल 44। तेलंगाना में 11 वैकेंसियां प्रिंसिपल, 6 वाइस प्रिंसिपल, 77 पीजीटी, 168 टीजीटी, टोटल 262। त्रिपुरा में 1 वैकेंसी प्रिंसिपल, 3 वाइस प्रिंसिपल, 36 पीजीटी, 18 टीजीटी, टोटल 58। उत्तराखंड में 1-1 वैकेंसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, 3 पीजीटी, 4 टीजीटी, टोटल 9 वैकेंसियां आई हुई हैं। तो ये वैकेंसियों की डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। 173 प्रिंसिपल, 114 वाइस प्रिंसिपल, 1207 पीजीटी, 1906 टीजीटी, टोटल 3400। तो टोटल 3400 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में वैकेंसियां ज़्यादा दर्शाई गई थी, डिटेल नोटिफिकेशन में सिर्फ 3400 ही है, तो आप देख लीजिएगा। स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां भी यहां दी गई हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जहां तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE 2020-21, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, इस पे क्लिक करें, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन करके इन पदों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।